Welcome to all of you. This is my third video related to class 11th entrepreneurship subject chapter number 2. This is the third video of chapter number 2, that is an entrepreneur. Student, we have already seen the two videos related to this chapter. In the first video, we have learned about the various type of entrepreneurs according to industry basis, according to the basis of motivation, according to business. We have learned various type of entrepreneurs available in our country or world. In the second video, we have learned about the various competencies of an entrepreneur. Various competencies, that means various abilities which are required for doing business. There are various type of competencies. It may be like leadership, creativity and innovation, problem solving, risk taking and risk management, information seeking. There are various competencies. And now, student, we are moving the third video. Third video is basically related to the ethics. Ethics, what are ethics? What are business ethics? Why ethics are required in a business? Why ethics are very important for a business? So now, student, we are moving the next topic, that is ethics. First of all, what are ethics? Basically, ethics ko samajhne se pehle hame pata hona chahiye ki it's not a basically compulsory law. It's not a compulsory by law, it's a well founded standard. Jo hame batate hain ki is particular situation mein ye cheez galat hai, ye cheez wrong, sahi hai. ऐसा हम करेंगे तो नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें. हमें कोई शॉप पे है तो हमें चोरी नहीं करनी चाहिए. हमें स्कूल में है तो स्कूल के जो बेसिक रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए. हमें टाइम पे स्कूल पहुंचना चाहिए. तो दिस वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स, जिनको क्या करना है, सबको फॉलो करना होता है जनरली. और ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो गलत हो जाता है, हमारे लिए लॉसेस हो सकते हैं, हमें नुकसान हो सकता है, हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं. तो बेसिकली दीज आर एथिक्स. अब यहाँ पे हम रीड करते हैं एथिक्स के बारे में क्या बोला गया. एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिस्क्राइब व्हाट ह्यूमन ऑट टू डू यूजली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, ऑब्लिगेशन, बेनिफिट टू सोसाइटी, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज. That means, यहाँ पे बोला है कि ethics well founded standards हैं, जो हमें बताते हैं कि ये चीज right है और ये चीज wrong है. ये एक तरीके से standard है, जैसे कि हम बोलते हैं स्कूल पे 8 o'clock पहुंचना है. यदि हम 8:30 पे आ रहे हैं तो हमें अपने आप पता पड़ जाएगा कि हम लेट हैं. हमें यह है कि मंडे को कॉपी सबमिट करनी है. यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो हम गलत कर रहे हैं. तो यहाँ पे वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स है जिनको सबको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. नहीं फॉलो करते हैं तो जो हम बेसिकली जो वर्क करना चाहते हैं वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिस्क्राइब व्हाट ह्यूमन ओट टू डू. दैट मीन्स ये बताते हैं कि जो ह्यूमन बींग हमको क्या करना चाहिए. बेसिकली राइट से रिलेटेड है, ऑब्लिगेशंस जो उनको फुलफिल करनी है उससे रिलेटेड, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें मोर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, इन्वायरमेंट को ज्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज, दैट मीन्स हमें जो प्रॉपर डील करनी चाहिए. तो इस तरीके से यहाँ पे एथिक्स के बारे में बताया है. नेक्स्ट यहाँ पे एथिक्स फॉर इंस्टेंस मीन्स those standards that impose a reasonable obligation to refrain. That means ethics है जो basic standards है जो हमें एक तरीके से हमें obligate करते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, refrain नहीं करना चाहिए. That means हमें refrain करना चाहिए. यहाँ पे बोला है reasonable obligation to refrain. Refrain मतलब मना करना from stealing, चुराना, murder करना, assault करना और fraud, ये सब काम नहीं करना.
करने चाहिए, तो हमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स है जो हमें बोलते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी का को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, हमें किसी को बेफालतू में नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें किसी को से कोई सामान चुराना नहीं है, किसी का मर्डर नहीं करना है. तो दैट आर द स्टैंडर्ड्स दैट इम्पोज रीजनेबल ऑब्लिगेशंस टू अस. एथिकल स्टैंडर्ड ऑल्सो इंक्लूड those that enjoy virtues of honesty, compassion and loyalties. That means ये हमें honesty के लिए बोलते हैं, compassion हमें work को जो भी है उसको अच्छा से fulfill करना, मतलब compassion किसी के लिए दया, loyalty हमें उस तरीके से work को complete करना चाहिए. तो basically ethics क्या है, well founded standards है जो हमें guide करते हैं कि ये चीज हमें करनी चाहिए, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए. वो rights से related हो सकते हैं, हमारे obligations से related हो सकते हैं, society benefits से related हो सकता है. आगे है ethics also refers to the study and development of one's ethical standards. It is necessary to constantly examine one's standard to ensure that they are reasonable and well-founded. Ethics also means the continuous effort of our own moral belief and our moral conduct. That means continuously effort. हमारा effort है कि हाँ continuously हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना है, हमें मिसबिहेव नहीं करना है. तो कंटिन्यूअसली एक एफर्ट है, ऐसा नहीं कि वेरी फर्स्ट डे हमें सब चीजें आ जाएंगी. जैसे एक स्टार्टिंग में बच्चा है वो किसी चीज को चुरा लेता है या किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो हम उसे कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड देन आफ्टर वो एक दिन सीख भी जाता है उस चीज को. तो दीज आर बेसिकली एथिक्स. इज इट क्लियर? एथिक्स की यहाँ पे दो से तीन डेफिनेशन गिवन है. आप जो फर्स्ट डेफिनेशन है इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पे जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप ये वाली डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं. इसके अलावा ये नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. आपको एक डेफिनेशन आपको जो ये यहाँ पे येलो हाईलाइट है वो कंप्लीट आपको नोट डाउन करना है, लेकिन ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो उसकी एक सेपरेट डेफिनेशन है. और जो सेकंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एथिक्स फॉर इंस्टेंस मींस दोज स्टैंडर्ड्स, ये एक उसकी एक और डेफिनेशन है. तो आप ये दो अलग अलग डेफिनेशन है जो एक ही चीज को बता रही है, एथिक्स के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रही है. तो आप इसमें से कोई सी भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे एथिक्स क्लियर हुआ. वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या चीज रॉन्ग है, क्या चीज राइट है, हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए. इज इट क्लियर? ऐसा यदि हम एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें कोई पनिशमेंट ना मिले, लेकिन हम लॉन्ग टर्म हमारे बिजनेस को या हमारे जो लाइफ है, हमारी जो गुडविल है हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे. सपोज कीजिए एक बार हमने किसी कस्टमर को चीट किया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो हमारे ऊपर ट्रस्ट ना करे. हमें हो सकता है उसके लिए पनिशमेंट ना मिले गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम पे कोई ट्रस्ट ना करे. तो इसलिए बेसिकली हमें ये इंडिकेट करते हैं कि हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए. अब हमने एथिक्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करी, अब बिजनेस एथिक्स के बारे में हम देख रहे हैं. बिजनेस एथिक्स कंपराइजेस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रॉपर बिजनेस पॉलिसीज and practice regarding potential controversial issues such as corporate governance, insider trading, bribery, discrimination, corporate social responsibility and fiduciary responsibilities. Fiduciary responsibilities. Business ethics are often guided by law, while other times provide a basic framework that businesses may choose to follow in order to gain public acceptance. इसको बिजनेस एथिक्स को समझने के लिए हम देखें तो बिजनेस एथिक्स बेसिकली प्रॉपर पॉलिसीज हैं, बिजनेस पॉलिसीज हैं जो हमें जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, सपोज कीजिए एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर रहे हैं ना करें, उससे हमें कैसे बचना है, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करना है वर्क के लिए,
तो ये हमें बिजनेस एथिक्स बताते हैं। तो बेसिकली ये बिजनेस पॉलिसीज हैं जो हमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें गाइड करती है कि हाँ यदि हमें गवर्नमेंट को फाइन नहीं देना है, इन्वायरमेंटल यदि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है, उससे इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है तो हमें हो सकता है मोर प्लांट्स ग्रो करने चाहिए और जो इन्वायरमेंट को लेस डैमेज करे वैसे हमें मशीनरीज को यूज करना चाहिए। तो बेसिकली ये प्रॉपर बिजनेस पॉलिसीज हैं प्रैक्टिस जो हमें गाइड करती है कि हम जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है जिसके कारण हमारे बिजनेस की रेपुटेशन कम हो सकती है, हमारे बिजनेस का प्रोडक्शन कम हो सकता है, बिजनेस की सेल कम हो सकती है, उन सबसे हम कैसे बच सके, तो ये इसके बारे में बिजनेस एथिक्स बताते हैं। आगे बताया बिजनेस एथिक्स आर ऑफन गाइडेड बाय लॉ। ऐसा नहीं कि अपने आप बिजनेस एथिक्स क्रिएट कर लिए कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लॉ को लॉ पर्टिकुलर बताता है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं बिजनेस एथिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बिजनेस एथिक्स आर ऑफन गाइडेड बाय लॉ बाय अदर टाइम प्रोवाइडेड बेसिक फ्रेमवर्क दैट बिजनेसेस मे चूज टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो बेसिकली बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स आर बेसिकली बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम पोटेंशियल दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज। इज इट क्लियर? वेरियस कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है, इनसाइडर जो हमारे बिजनेस के अंदर की ट्रेनिंग है वो हो सकती है, तो बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज है उनको रिजोल्व कर सकते हैं बिजनेस और एथिक्स के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाई इज एथिक्स इम्पोर्टेंट टू एन एंटरप्रेन्योर, ये क्वेश्चन भी है और इसका आंसर आपको इसी पैरे में मिलेगा कि एथिक्स एक एंटरप्रेन्योर को एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है। लॉ की तरफ से हम देखें तो स्ट्रिक्ट रूल्स है, रेगुलेशन नियम बना देते हैं लेकिन हो सकता है हमें यदि हमने फॉलो नहीं किया तो हमें डैमेजेस हो सकते हैं, बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं। तो व्हाई इज एथिक्स इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर, इसका आंसर है द बिलीव दैट बिजनेस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्वाइट कॉमन प्लेस नाउ थ्रो इट इज रिलेटिवली न्यू फिनोमेनन। तो व्हाई इज एथिक्स इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रीजन है टू फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि जो प्रोडक्ट है कोई भी बिजनेस के प्रोडक्ट है वो परचेज कौन करेगा, अल्टीमेटली सोसाइटी परचेज करेगी, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स परचेज करेंगे, तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हम फुलफिल नहीं करेंगे तो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के जितनी सेल है उतनी सेल हो सकता है हमारी रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे बोला गया है एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप इन ए नटशेल अमाउंट टू अचीवमेंट ऑफ एथिकल गोल्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, देयर इज लिटिल मोर टू इट देन दैट एंड इट मर्जेस टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि इट मर्जेस इन द टर्म सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन्स हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को फुलफिल करना है, सोशल कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स एक जो कॉर्पोरेट है दैट मीन्स बिजनेस, कॉर्पोरेट मीन्स हुआ बिजनेस, तो सोशल बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करना और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको फुलफिल करना ही जो मेन रीजन है वो के लिए एथिक्स इम्पोर्टेंट है। यदि हमने एथिक्स नहीं बनाएंगे तो कोई भी पर्सन है कोई भी एंटरप्रेन्योर है उन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो सोसाइटी से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल नहीं करेगा। तो देर आर मैनी डिस्कशन अबाउट मोरल एंड एथिक्स, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू एज पीपल हैव डिफरेंट व्यूज what is ethical and moral depending on their religious background, culture, education, etc. That means ये कोई law से तो जुड़ा हुआ है नहीं, ethics है, हाँ businesses अपने जो task है उसको fulfill करने के लिए create करते हैं, तो ये situation जो ethics है society से to society differ हो सकते हैं, उसके अलावा religion to religion differ हो सकते हैं, education के according differ हो सकते हैं, तो यहाँ पे case study given है।
जो एथिक्स को और अच्छा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हियर इज वन स्टोरी टू एक्सप्लेन हाउ एथिक्स प्रिवेल इन एंटरप्रेन्योरशिप. दैट मींस एंटरप्रेन्योरशिप में किस तरीके से एथिक्स प्रिवेल है, प्रेजेंट है. यहाँ पे केस स्टडी गिवन है अमल एंड कमल, फादर एंड सन. अमल इज फादर एंड कमल इज सन. Respectively had built up a thriving retail grocery shop in Haldwani, Uttaranchal. वहाँ पे एक retail shop उन्होंने create करी है, built up की है. One of their supplier कौन होता है, जो basically goods provide करता है. Having delivered a large consignment of rice and sugar. जिसने क्या डिलीवर किया है, राइस एंड सुगर डिलीवर किया है. लेफ्ट द बिल विद कमल, जो कमल है उसके सन है, उसके पास में उसने बिल छोड़ दिया है. बिल मतलब जिसका पेमेंट क्या करना है, बाद में करना है. ही कैप्ट दैट इन ए स्मॉल कैबिनेट इन द शॉप. उसने इस बिल को क्या किया है, स्मॉल कैबिनेट में रख दिया है. देन बोथ द सप्लायर एंड कमल फॉरगॉट अबाउट इट. कमल और जो सप्लायर है वो उसके बारे में टोटली भूल गए हैं. जैसे सप्लायर है उसने भी उसका पेमेंट नहीं मांगा है और कमल ने उस भी उसका पेमेंट नहीं किया है. आफ्टर अबाउट 8 months और सो एट द एंड ऑफ मार्च अमल बिगेन टू क्लियर द बैकलॉग एंड लुक केयरफुली इन टू द कैबिनेट. दैट मीन्स आफ्टर कुछ टाइम बाद में जो अमल है, फादर है, वो जब उसको खाली कर रहे हैं कैबिनेट को, तो उन्होंने देखा वो उसको चेक कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को. ही डिस्कवर्ड अनपेड बिल एंड इन्फॉर्म कमल. अब उन्होंने अनपेड बिल पेंडिंग था उसको देखा, कमल को इन्फॉर्म किया. द लेटर वॉज शॉक्ड. कमल जो है शॉक्ड रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है. अमल आस्क कमल टू कॉन्टेक्ट द सप्लायर इमीडिएटली एंड क्लियर हिज ड्यूज. अमल जो फादर है उसने बोला है कमल को कि जो भी ड्यूज है उसको क्लियर कर दो. कमल रिप्लाइड नो फादर, इट इज सप्लायर्स ड्यूटी टू रिमेंबर एंड कलेक्ट हिज ड्यूज. व्हाई शुड वी चेज हिम. हम क्यों करें उसको, ये तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अमल रिप्लाइड सन, दैट इज नॉट द वे ऑफ ऑनरेबल पीपल डू बिजनेस. It is the innermost belief, that is sense of values and business ethics which guided Kamal to pay what is due to the supplier. यदि नहीं पेमेंट करेंगे दोनों पार्टीज को याद नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होगा फ्यूचर में, ऐसा होता है बाद में पता पड़ता है कि ऐसा पेमेंट नहीं किया उस पार्टी ने, जो ट्रस्ट है जो दोनों पार्टीज के बीच में है, वो ट्रस्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और हो सकता है वो सप्लायर उस पार्टी को, जो ये शॉप इसको सप्लाई ना करे गुड्स वगैरह. तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में भी एथिक्स इम्पोर्टेंट है. अब आगे यहाँ पे बताया गया है इम्पोर्टेंट जो है ये पैराग्राफ है. And entrepreneurs climb the ladder of success. They should not forget that for success to be long-lasting, they will have to follow some ethical standard in their business practices. That means ki entrepreneur kitna bhi success ho jaye, businessman kitna bhi success ho jaye, wo tabhi successful rahega long term mein. Tab jab wo kya hai, jo ethical standards hai, basic ethical standards hai, unko फुलफिल करेगा. सम एग्जाम्पल टू बी फॉलोड कैन बी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो एथिकल बिजनेस एथिकल स्टैंडर्ड्स है जो हर एक बिजनेस जो हर एक एंटरप्रेन्योर को फुलफिल करने चाहिए, ये एथिकल स्टैंडर्ड्स है. वो कुछ एग्जाम्पल्स है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को फुलफिल करने चाहिए. फर्स्ट, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वान्टिटी ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स. Second, keep in mind the environmental issues during production. Three, paying the minimum and correct wages to the workers. Not to use child labor in their production. Judicious use of natural resources. Is it clear? So these are the business ethics that are followed by every entrepreneur. क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराएं, क्वांटिटी गुड्स प्रोवाइड कराएं, प्रॉपर करेक्ट क्वांटिटी. इन्वायरमेंटल इश्यूज है तो उनको कम रिड्यूस करने के लिए बेस्ट पॉसिबल ट्राई करें. उसके अलावा जो वेजेस वर्कर्स है उनको मिनिमम जो वेजेस है
वो बिल्कुल सही प्रोवाइड कर रहा है, चाइल्ड लेबर को यूज ना करे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है उनका जुडिशियल यूज करे, एक्स्ट्रा यूज ना करे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करे, लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करे. तो दीज आर द सम एथिक्स दैट आर फॉलोड बाय एवरी बिजनेस पर्सन और एवरी एंटरप्रेन्योर इन business. So student, this video is this topic is over now. Next topic is entrepreneurial values, attitude and motivation. Next topic is entrepreneurial values, attitude and motivation. So student, this topic we will learn in the next video. This video is over now and the task work related to this video is prepare your notes and learn all the topic related to this chapter. If you have any doubt, then please ask me live stream classes.